जैन शैली। अब तक आपने देखा कि जैन शैली का नाम अपभ्रंश कैसे पड़ा और इसमें किस प्रकार के चित्र बनाए गए। जैसा कि मैंने अपने आप को पिछले वीडियो में बताया था कि इस शैली का नाम अपभ्रंश किस प्रकार पड़ा। अपभ्रंश शैली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपभ्रंश शैली में किस प्रकार के बने। इस शैली के चित्र वसंत विलास, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, कल्प सूत्र आदि पोथियों में प्राप्त होते हैं। ये पोथियाँ भारत में अनेक स्थानों पर प्राप्त होती है। कल्प सूत्र की एक प्रति साराभाई मणिकाल को जौनपुर से प्राप्त हुई। इस प्रति का लिपि काल 1465 ईस्वी का है। कल्प सूत्र की दूसरी प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई तथा तीसरी प्रति सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास लोमड़ी में बताई जाती है, जिसका समय 1415 ईस्वी माना जाता है। कल्प सूत्र की चौथी प्रति जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में तैयार की गई है। यानी इस प्रति की जो लिपि है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। यह प्रति बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। कल्प सूत्र की यही प्रति सबसे उत्तम मानी गई है। इसको 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्की के शासनकाल में बनवाया गया था। कल्प सूत्र की एक अन्य प्रति अहमदाबाद के दया मुनि विजय के संग्रह में भी है। यह प्रति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई। यह भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। 4051 ईस्वी की लिखी वसंत विलास की सचित्र काव्य प्रति, यह लगता है मुझे मिस्टेक है, यह भी 1451 ईस्वी की लिखी वसंत विलास की सचित्र काव्य प्रति स्वर्गीय मेहता जी को 1924 ईस्वी में प्राप्त हुई। यह चित्रपट गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय का है। वसंत विलास की यह प्रति जन्मपत्री नुमा तथा कुंडली नुमा लंबे कपड़े पर लिखी गई पट्टी है। इस पट्टी की लंबाई 436 इंच तथा चौड़ाई 9.2 इंच है। इस पट्टी के बाई ओर 1 इंच चौड़ा हाशिया है और दाहिने ओर 3/4 इंच चौड़ा हाशिया है। वसंत विलास में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वसंत का विशेष रूप से फागुन का वर्णन है। इस काव्य कथा में एक पति और पत्नी के प्रेम प्रसंग अंकित हैं, जो कालिदास की महान काव्य रचना ऋतु संहार पर आधारित है। इस लंबी कपड़े की पट्टी पर लिखाई के साथ चित्र भी बनाए गए हैं। चित्र में मानव आकृतियों की लिखाई में शक्तिशाली रेखा का प्रयोग है। इन चित्रों में चित्रकार ने वर्णात्मक शैली अपनाई है और चित्रों की रंग योजना सरल है। लाल, पीले तथा नीले रंगों का प्रयोग यहाँ बहुतायत में किया गया है। पृष्ठभूमि साधारणतया पीली है। स्त्रियों को साड़ी पहने बनाया गया है। उनकी चोली में कौनी तक आस्तीने हैं। वसंत विलास की यह प्रति मुसलमान शासकों के समय गुजरात में लिखी गई थी। आज यह फायर आर्ट गैलरी वॉशिंगटन में सुरक्षित है। इसी प्रकार श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित ताड़पत्रीय पोथियों में, ये ताड़ पर बनाई जाती थी इसलिए इन्हें ताड़पत्रीय पोथियाँ कहा जाता है। ताड़पत्री पोथियों में निशित चूर्णी, अंग सूत्र, दशैव कालिक, लघुव्रति, त्रिशित शलाका, पुरुषचरित्र, नेमिनाथ चरित्र, उत्तराध्यन, कल्पसूत्र आदि प्रमुख हैं और हमें प्राप्त हैं। इन सचित्र पोथियों का लिपिकाल 1000 से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। पाटन के ग्रंथ भंडार में निशित चूर्णी की एक प्रति सुरक्षित है, जिसका लिपिकाल 1100 ईस्वी का है।
इसमें अपभ्रंश कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। अंग सूत्र की 3 सचित्र प्रतियां तथा दशैव कालिक लघु वृत्ति की 1 सचित्र प्रति शांतिनाथ भंडार खंबात के संरक्षण में सुरक्षित है। शांतिनाथ भंडार में 1241 ईस्वी की नेमीनाथ चरित की भी 1 सचित्र प्रति सुरक्षित है। इन उदाहरणों के अतिरिक्त कथा रत्न सागर की प्रति में चित्र प्राप्त होते हैं। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित 1390 ईस्वी की श्रावक प्रति कमन चुन्नी की 1 प्रति भी चित्रकला का अनुपम उदाहरण है। पाटन के शांतिनाथ भंडार में 1433 ईस्वी का एक चित्रित चित्रपट भी विख्यात है। इसकी एक अनुकृति 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त मार्कंडे पुराण, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य और कामसूत्र आदि पोथियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिनमें अभ्रंश शैली के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इस समय पोथियाँ ही अधिक चित्रित की जाती थी, अतः हमें पोथी चित्र ही अधिक उपलब्ध होते हैं, फुटकर चित्र कम प्राप्त होते हैं। अब हम अपभ्रंश शैली की विशेषताओं को देखेंगे। आप ये देख रहे हैं, ये सामने चित्र देख रहे हैं जो मैंने प्रस्तुत किया है। इसमें आप देखिए दोनों आंखें जुड़ी हुई हैं, कपड़ों को बिल्कुल सीधे सीधे वेशभूषा में बनाए गए, हाथ पैर रुई की भांति, पशु पक्षी रुई की भांति महसूस हो रहे हैं, काले रेखांकन का प्रयोग किया गया है। इस शैली में पूर्ववर्ती शैलियों की अपेक्षा हास और निर्बलता के चिन्ह अधिक हैं। कदाचित इस निर्बलता का कारण यह भी हो सकता है कि चित्र जैन पोथियों धर्म अनुयायियों द्वारा जनता में बांटे जाते थे। इस कारण इन पोथियों की अत्यधिक मांग थी, जिसको पूरा करने के लिए चित्रकार शीघ्रता से कार्य करते थे। चित्र की लिखाई में जल्दीबाजी होने के कारण कमजोरी और कठोरता आ गई है और आकृतियों की लिखाई में सुमधुर गोलाई के स्थान पर कोणात्मकता का प्रयोग अधिक दिखाई पड़ता है। इन चित्रों में मानवाकृतियों के चेहरे सवा चश्मे हैं और एक ही प्रकार के बनाए गए हैं। नाक अनुपात से लंबी और नुकीली बनाई गई है, जो परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकल गई है। चेहरे सवा चश्म यानी 3/4 साइज के बनाए गए हैं और एक ही आकार प्रकार के, मतलब सभी चेहरे जो है हमें एक ही आकार प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। चिम्बुक आम की गुठली के समान चपटी और छोटी है। आंखें आसपास और बड़ी बड़ी बनाई गई हैं, यानी दोनों आंखों के बीच में गैप नहीं दिखाया गया है। उनकी रचना 2 व्रकों के द्वारा की गई है। पुतली बनाने के लिए इन व्रकों के मध्य एक बिंदी लगा दी गई है, जो अनुपात रहित और गोलाई रहित है। नेत्र चेहरे की सीमा रेखा से बाहर निकले हुए बनाए गए हैं, यानी जो सवा चश्म चेहरे बनाए गए हैं उनमें जो नेत्र हैं वो सीमा रेखा से बाहर निकले हुए बनाए गए हैं। पुतली की बनावट तथा नेत्रों की सीमा रेखा से बाहर निकलते रहने के कारण आँखों में एक स्वाभाविकता नहीं है, बल्कि उग्रता का भाव दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है मानो आंखें बाहर ही निकल पड़ेंगी। उंगलियों का रेखांकन कठोर, निर्बल और अत्यधिक अलंकारिक तथा रूढ़िवादिता से परिपूर्ण है। पेट का भाग बहुत बड़ा बनाया गया है और छाती उभरी हुई बनाई गई है। पशु पक्षी तथा मानव आकृतियाँ गुजरात की कठपुतलियों के समान प्रतीत होते हैं। बादल रुई के ढेर के समान बनाए गए हैं। चित्र में अनेक आकृतियों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई हैं। आकृति में गोलाई लाने के लिए छाया का प्रयोग किया गया है। यह छाया भी बारीक काली रेखाओं से प्रदर्शित की गई है। विद्वानों का विचार है कि यहाँ रेखाएं ब्रश की अपेक्षा निव से बनाई गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
कलाकार हाथ में निर्मलता और कठोरता आ जाने के कारण रेखाओं में बारीकी और क्रमिक मोटापन तथा पतलापन दिखाई पड़ता है। यह रेखाएं बराबर मोटाई की बनाई गई हैं, इस कारण इन रेखाओं से निव का भ्रम होता है। इन रेखाओं की अकुशलता का किसी सीमा तक एक कारण यह भी हो सकता है कि यह चित्र भारतवर्ष की भित्ति चित्रण पद्धति पर कार्य करने वाले कलाकार ही बना रहे थे। भित्ति चित्रकारों को बड़े चित्र के आकारों में रेखा की पूर्णता दिखाने में अपनी योग्यता दिखाने का अधिक अवसर था, लेकिन यहाँ चित्रण का स्थान अत्यंत छोटे लघु चित्रों ने ले लिया तो रेखा को अत्यंत बारीक बना पाना मुश्किल था, वह उनके अनुकूल नहीं बन सकी। इन्हीं विशेषताओं को डॉक्टर मोतीचंद ने कला निधि के एक अंक में अभ्रंश शैली की 12 विशेषताओं को इस प्रकार बताया है। फर्स्ट, खाली जगह में निकली आंख। सेकंड, परबल की आकार की आंखें, स्त्रियों के कण स्पर्शी नेत्रों में काजल की कान तक बनाई गई रेखा। थर्ड, नुकीली नाक। फोर्थ, दोहरी ठुड्डी। फिफ्थ, मुड़े हुए हाथ तक एक जैसी उंगलियां, उभरी हुई छाती। नेक्स्ट, खिलौने जैसे पशु पक्षी। नेक्स्ट, कमजोर लिखाई। नेक्स्ट, प्राचीन दृश्यों की कमी। नेक्स्ट, धरातल पर अनेक दृश्यों का अंकन। नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 16वीं शताब्दी तक हाथियों का अलंकरण। और सबसे अंतिम विशेषता जो उन्होंने बताई है वो है चटकदार रंगों तथा सोने का बहुतायत में प्रयोग। इस प्रकार अभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांशतः चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। पृष्ठभूमि में बहुधा लाल रंग का सपाट प्रयोग किया गया है, साथ ही पीले, श्वेत एवं नीले रंगों का यहाँ पर समावेश किया गया है। महावीर की आकृति में पीला, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में सुनहरे रंग का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। इससे संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासा हो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस अध्याय से संबंधित प्रश्नोत्तरी मैं आपको अगले दिवस पर प्रेषित करूँगी। अगले चैप्टर में मैं आपको राजस्थानी चित्रकला के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।